हेलो एवरीवन, आज मेरे पास दो पार्सल हैं अमेज़ॉन से जो कि मैंने मंगाए हैं। एक तो ये पार्सल है और एक ये है पार्सल। तो आप आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये कुछ खास पार्सल हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट हैं। इनमें से एक पार्सल जो है ये तो मैंने ही ऑर्डर किया था और आज ये मुझे रिसीव हो चुका है। देखते हैं इसमें क्या है। ये तो मेरा ही ऑर्डर किया हुआ है और ये वीडियो भी मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये जो पार्सल है जो दूसरा ये आप इसमें कुछ बॉक्स है, मुझे नहीं मालूम है कि इसमें क्या है। और ये पार्सल मेरे स्टूडेंट के द्वारा मुझे भेजा गया है, सुष्मिता के द्वारा। उन्होंने काफ़ी समय पहले मुझे कहा था कि सर मैं आपको एक ये गिफ्ट भेजना चाहती हूँ, अपना एड्रेस दीजिए। तो मैंने दिया था काफ़ी समय पहले और तब से मैं भूल गया था, लेकिन अब कल उनका मैसेज आया था या आज सुबह आई थिंक आया था कि ये पार्सल आने वाला है, इसका ये OTP है, आप इसको रख लीजिए और अब ये पार्सल पहुँच जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले फ़ोन आया अमेज़ॉन वाले भैया का कि भैया आ जाओ और फटाफट से अपना पार्सल ले जाओ। तो इसीलिए मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सुष्मिता, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। लेकिन मुझे अभी मालूम नहीं है कि इसके अंदर क्या है। जो भी चीज़ होगी बहुत अच्छी होगी, बहुत खास होगी, आप सभी मेरे लिए खास है। तो देखते हैं एक एक करके इन दोनों को ओपन करेंगे। चलिए सबसे पहले तो ये पार्सल ओपन कर लेते हैं। मेरे पास यहाँ पर ना चाकू है ना कैंची है, कुछ नहीं है। तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर तो सिंपल सी बात है कि जो मेरी बाइक है रॉयल एनफील्ड, उसके लिए मैंने कवर मंगाया था बाहर रखने में। अब ये वाटरप्रूफ कवर है ना तो अच्छा रहेगा। अब इसको तो पूरा खोल के मैं क्या दिखाऊं, बस आप देख सकते हैं कि वाटरप्रूफ है। वाटरप्रूफ मैंने कवर मंगाया था उसके लिए ताकि धूप से भी अच्छा रहे, धूप से भी बची रहे और जो है बरसात से भी बची रहे। वैसे बाहर तो नहीं खड़ी होगी रॉयल एनफील्ड फिर भी। अब जो मेन पार्सल है जिसके लिए वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है, अदरवाइज़ तो मैं क्योंकि हमेशा पार्सल आता ही है, मैं कोई वीडियो ऐसे रिकॉर्ड नहीं करता हूँ क्योंकि वो खुद ही मैं पार्सल मंगाता हूँ, मुझे पता होता है। ये मेरे स्टूडेंट ने पहली बार किसी स्टूडेंट ने मुझे ये पार्सल भेजा तो उसके लिए मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। इसको भी मुझे इसी तरीके से खोलना होगा क्योंकि मैं एक्साइटमेंट में कैंची वगैरह लाना भी भूल गया हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, अपने हाथ ही काफ़ी हैं, इतनी योग्यता तो रखते हैं हम है ना। बहुत एक्साइटमेंट हो रही है कि इसके अंदर है क्या। ओके, ये पन्नी इसकी खाली हो चुकी है और ये इसमें चीज़ें हैं। बस मैं ये देख रहा हूँ कि इन्होंने कोई ज़्यादा महंगी चीज़ ना भेजी हो, मुझे बस यही एक वो है। अब जैसा इसमें लिखा है, जो ये अभी आपने देखा ना मेरे हाथ में, मैंने ये इसीलिए देखा कि कोई ऐसे बहुत बड़ी भारी एक्सपेंसिव चीज़ ना हो, वो अच्छा नहीं लगेगा कि स्टूडेंट इतने पैसे अपने खर्च कर देंगे, वो तो एक्साइटमेंट में कर देते हैं। चलो देखते हैं क्या सच में अब इतना है, इसको देखा जाए। लिखा तो इसमें बड़ा अमाउंट है, अब क्या वो सच है वो तो इसे जब हम ओपन करेंगे तब हमें मालूम पड़ेगा। अब इसमें जो अमाउंट लिखा हुआ है ना, वो नंबर देखकर तो मुझे थोड़ा घबराहट हो रही है कि इतना महंगा जब। चलो देखते हैं किस सच में बात क्या है। ठीक है, पन्नी तो हमने छुड़ा ली है, पन्नी छुटा के और इसके अंदर इस तरह से कुछ है। आप कमेंट करके गैस करोगे क्या हो सकता है। ये वीडियो ख़त्म होने से पहले आप गैस करेंगे कि इसके अंदर क्या हो सकता है। ठीक, चलिए तो आपके सामने मैं इसे बाहर निकाल रहा हूँ। आई थिंक आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये क्या है ना। और अब ये जो एयर वाली पॉलिथीन है इससे हम गिफ्ट को निकाल लेंगे बाहर बहुत ही आराम से। इस गिफ्ट को बाहर निकाला जाएगा, इसे यहाँ रख देंगे। ओह,
ओह माय गॉड, गिफ्ट तो बहुत अच्छा है लेकिन सुष्मिता ये काफी महंगा गिफ्ट है। आपको मैं थैंक यू तो कहूंगा ही लेकिन महंगा काफी है। आप देख सकते हैं क्या है, ये टाइटन की वॉच है, टाइटन की वॉच है जो इन्होंने मुझे गिफ्ट करी है। और अंदर से आप देखिए, इसके अलावा जो वॉच है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ओह माय गॉड, बहुत ही प्रीमियम है, बहुत ज्यादा प्रीमियम। वाओ, देख रहे हैं आप, देखिए बहुत प्रीमियम वॉच है। और मैं आपको सच बताऊं, मैं लगभग काफी समय से मैं इसको पहन के देखता हूँ, मैं काफी समय से टाइटन की वॉच ही देख रहा हूँ कि अब मुझे टाइटन की वॉच लेनी है। स्मार्ट वॉच से मेरा जो है रुझान सा खत्म हो गया है, इसलिए अब मैं इसको बाद में काटूंगा कहीं जब मेरे पास वो है सीजर, ठीक है। तो इसलिए मैं टाइटन की वॉच देख रहा था। ये देखिए, कमेंट करके बताइए दोस्तों कैसी लग रही है आपको वॉच। और थैंक यू सुष्मिता, आपको थैंक यू सो मच। लेकिन दोस्तों इतने महंगे गिफ्ट ना भेजा करें, ठीक है। मुझे थोड़ा सा फिर वो महसूस होता है कि आप इतना खर्चा क्यों कर रहे हैं, तो पैसे अपने बचा के रखा करें। मुझे नहीं आइडिया था कि इतना महंगा ये गिफ्ट हो सकता है, वरना मैं आपको पहले कहता अगर आपको देना है तो कुछ थोड़ा ही ज़्यादा पैसे ना खर्च करें, ऐसे मत किया करें, ठीक है। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए, थैंक यू सो मच, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।